अभी जो हम बात करने बात किए हैं हम करेंसी के बाद ऊपर बात किए थे, करेंसी के ऊपर हमने क्या किया था, करेंसी के ऊपर हमने आपके साथ बात किया था कि किस तरह से करेंसी कोड लाते हैं। अब एक अकाउंटिंग का भी प्रॉब्लम है, अब अकाउंटिंग में क्या कर सकते हैं ये चलिए बताते हैं आपको। अकाउंटिंग में जस्ट आप करेंसी का कोड चेंज कर सकते हैं या करेंसी डाल सकते हैं, इसके अलावा डेसिमल प्लेसेस, बाकी चीज़ें इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आप अगर एक एग्जाम्पल देखें तो मेरे पास अकाउंटिंग में एक एग्जाम्पल है, अकाउंटिंग के अंदर एक एग्जाम्पल है कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और ये नंबर्स जो है जीरो में है, इस तरह से मतलब कि कहीं कहीं पे जीरो डली हुई है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे जीरो है, उस केस में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नंबर फॉर्मेट में आएंगे और इस नंबर फॉर्मेट के अंदर अकाउंटिंग पे जाके इसको नन कर देंगे और इसको जीरो कर देते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर इसको नन कर दिया, जीरो कर दिया, तो क्या हो गया, जैसे ही जो जीरो है वो डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो आपका डैश में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में है जीरो, क्योंकि सिंपल सा मेथड है, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग आपके ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती है, जस्ट आपके विजुअल को चेंज करती है। तो इस तरह का यूज